नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टोर में। और एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2017 से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। और जो अपडेट्स निकल कर आते हैं इस वैकेंसी से संबंधित, उनमें सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में जो राजस्थान कांस्टेबल भर्ती में अभी तक कितने आवेदन प्राप्त हो चुके हैं बिल्कुल आपको प्रूफ के साथ इस वीडियो में हम आपको उनकी जानकारी देंगे। और इसी के साथ जो सभी विद्यार्थियों का ये प्रश्न होगा कि इसका एग्ज़ाम कब तक संभावित है और इसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी, तो उसके बारे में भी हम आपको इसमें जानकारी देंगे। और साथ ही जब इस न्यूज़ में बताया गया है कि ये मार्च फरवरी मार्च में ये संभावित हैं, इसकी संभावना है इस एग्ज़ाम की होने की, तो उससे विद्यार्थियों को क्या नुकसान हो सकता है, तो इन सब बातों के बारे में इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। और कल भी हमने आपको प्राप्त आवेदनों की संख्या से संबंधित हमने वीडियो अपलोड किया था, तो कल भी हमने इससे संबंधित आपको जानकारी दी थी, लेकिन आज हम एक वैलिड प्रूफ के साथ आपको इन सब बातों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं न्यूज़ पर। पुलिस कांस्टेबल भर्ती का मामला सरक रही आवेदन तिथि, अब परीक्षा तिथि पर संशय। पहले दिसंबर में होनी थी परीक्षा, अब फरवरी मार्च तक की संभावना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 लाख से अधिक होंगे शामिल। पुलिस भर्ती में प्रदेश के 10 लाख से अधिक बेरोजगार शामिल होंगे। प्रदेश में पुलिस भर्ती को लेकर युवाओं में काफ़ी उत्साह भी है। विभाग का अनुमान है कि ऑनलाइन आवेदनों की संख्या 15 लाख से भी अधिक होने की संभावना है। और हमने कल भी आपको यही जानकारी दी थी कि लगभग 15 लाख के करीब आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। और न्यूज़पेपर में जो बात कही गई है वो अभी तक आवेदन कितने प्राप्त हुए हैं और 15 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त होने की संभावना है। और हमने कल वाले वीडियो में आपको यही जानकारी दी थी कि आवेदन संख्या 20 लाख तक भी जा सकती है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड हो चुकी है और 25 दिसंबर तक अभी और कितने आवेदन आने हैं ये कुछ भी कंफर्म नहीं है, तो एक अनुमान हमने आपको बताया था। तो ये न्यूज़ आप देख सकते हैं। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि लगभग 3.5 वर्ष बाद पुलिस भर्ती होने के कारण आवेदनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो आप ये न्यूज़ देख सकते हैं। 15 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त होने की इसमें संभावना है। और दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये वीडियो ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उनको इस बारे में न्यूज़ मिल सके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है। और कल हमारे कुछ विद्यार्थी हमसे नाराज़ हो गए थे कि आप फेक न्यूज़ बनाते हो, गलत चीज़ें हमें बताते हो, व्यूज़ पाने के लिए ये सब करते हो, तो ये सब मैं नहीं करता बिल्कुल। मैं जो जानकारी मुझे मिलती है, लेकिन कभी कभी प्रूफ के बिना आपको देनी होती है तो उससे संबंधित वीडियो बनाना होता है। और अब आज प्रूफ आपके सामने है, बिल्कुल न्यूज़ में बताया गया है कि 15 लाख से अधिक विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़, और आप मेरी बात से सहमत हैं, अगर आप मेरे साथ हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक ये न्यूज़ पहुँच सके। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी, कब तक एग्ज़ाम के होने की संभावना है, तो ये आप देख सकते हैं फरवरी मार्च तक की संभावना है। फरवरी या मार्च में ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है और हो जाएगा। जहाँ तक मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो ये फरवरी मार्च तक स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन पेपर हैं, काफ़ी लंबे समय तक ये एग्ज़ाम चलेगा। 15 लाख से अधिक विद्यार्थी होंगे तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो वो कितनी शिफ्ट में ये एग्ज़ाम ख़त्म होगा वो आप अनुमान लगा सकते हैं। तो जान लेते हैं न्यूज़ के बारे में। प्रदेश में होने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तिथि को लेकर बेरोजगारों में लगातार संशय बना हुआ है। विभाग ने पहले दिसंबर में ऑनलाइन परीक्षा कराने का दावा किया था, लेकिन अब विभाग ने आवेदन की तिथि बढ़ाकर 25 दिसंबर तक बढ़ा दी है। ऐसे में तय है कि परीक्षा जनवरी से पहले नहीं हो सकती। यदि विभाग परीक्षा फरवरी महीने तक नहीं करा पाया तो अप्रैल मई तक होने की संभावना भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा के लिए फिर विभाग को सेंटर तलाशना काफ़ी मुश्किल काम रहेगा। इन
महीनों में बोर्ड व विश्वविद्यालय की परीक्षा शुरू हो जाएगी। उम्र सीमा को लेकर पुलिस भर्ती की विज्ञप्ति को कुछ लोगों ने न्यायालय में चुनौती दी थी। इसके बाद विभाग को आवेदन तिथि के आगे आगे बढ़ानी पड़ी। परीक्षा तिथि लगातार टलती जा रही है। विज्ञप्ति में दावा, दिसंबर में होगी परीक्षा। 5,500 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए विज्ञप्ति 18 अक्टूबर को जारी हुई। इस दौरान परीक्षा दिसंबर के पहले सप्ताह में कराने का दावा किया था, लेकिन दो बार परीक्षा तिथि बढ़ने के बाद दिसंबर में परीक्षा असंभव है। इस भर्ती में खिलाड़ियों के लिए 110 पद अलग से हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑनलाइन परीक्षा कराना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। पेपर लीक सहित अन्य चुनौतियों को देखते हुए इस बार पुलिस विभाग ने ऑनलाइन परीक्षा कराने का दावा किया है। जानकारी के मुताबिक पूरे प्रदेश में फिलहाल सभी विभाग ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए इंजीनियरिंग पॉलीटेक्निक कॉलेजों पर निर्भर हैं, और जहाँ पर कंप्यूटर की सुविधा होगी वहीं पर ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है ऑनलाइन एग्ज़ाम में। फरवरी मार्च में अभ्यर्थियों को यह नुकसान फरवरी मार्च में परीक्षा होने पर अभ्यर्थियों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि पुलिस भर्ती में आवेदन करने वाले ज़्यादातर युवा स्नातक की परीक्षा में भी शामिल होंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि फरवरी मार्च के समय प्रतियोगी परीक्षा व स्नातक की तैयारी ढंग से नहीं हो सकती, इसलिए विभाग को फरवरी से पहले परीक्षा करानी चाहिए। और फरवरी से पहले परीक्षा कराना मेरे अनुमान के अनुसार संभव है नहीं। तो देखो अब आगे क्या अपडेट मिलता है इस बारे में। और इस वैकेंसी में ज़्यादा आवेदन प्राप्त होने का रीज़न एक ये भी है, क्योंकि ये वैकेंसी 10th लेवल पर है, सीनियर लेवल पर। और जितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन जितनी कम होगी दोस्तों, उतने आवेदन ज़्यादा आएंगे। आप देख सकते हैं 10th बेस वैकेंसी पे ज़्यादा आवेदन आते हैं, उससे कम अगर 12th बेस वैकेंसी पे रहेगी तो उसके कंपैरिजन में उसमें कम होंगे। फिर अगर उसके आगे की बात करें, ग्रेजुएट लेवल पर अगर वैकेंसी रहती है तो उसके कंपैरिजन में वहाँ कम आवेदन प्राप्त होते हैं, और पीजी लेवल पर अगर वैकेंसी रहती है तो आप समझ सकते हैं। तो ये भी एक रीज़न है जिस वजह से इस वैकेंसी में 15 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त होने की संभावना है। और इसी के साथ आप अपनी प्रिपरेशन है वो बिल्कुल जारी रखिए। एग्ज़ाम हो सकता है फरवरी मार्च में हो, इसमें संभावना भी जताई गई है, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। और सभी विद्यार्थी, लगभग ज़्यादातर विद्यार्थी चाहते थे कि ये एग्ज़ाम दिसंबर में ना हो। हालांकि कुछ विद्यार्थी इसको लेकर कहते हैं कि यार एग्ज़ाम दिसंबर में ही होना चाहिए। कमेंट्स बॉक्स में जो अपनी व्यक्तिगत राय देते हैं आप सभी, मैं उनको सभी को पढ़ता हूँ, तो उनमें वो यही शेयर करते हैं कि एग्ज़ाम दिसंबर में ही होना चाहिए था। लेकिन उनके कंपैरिजन में बात करें तो ज़्यादा विद्यार्थी यही चाहते थे कि एग्ज़ाम दिसंबर में नहीं होना चाहिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और इसको शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक ये विद्यार्थियों तक ये पहुंच पाए और उनको भी इस न्यूज़ के बारे में जानकारी मिल सके। और जल्द से फिर से आपसे एक नए वीडियो, एक नई जानकारी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद।